पे देखिए सारा सब का सब घंटी है, इतना सारा घंटी है, लोग यहाँ पे बांधते हैं। तो भैया जी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, यहाँ मिनी गला नाइक है, नहीं तो एक दुई तीन दा मिनी पट जाए। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिलीज, तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मैं हूँ तिनसुकिया में मौसी के घर पे, तो शुरू करते हैं यहाँ से अपना ब्लॉग। और अभी सुबह का 8:30 हो चुका है समय, और मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ, और हमारे जो ब्रदर है वो भी रेडी हो रहे हैं अभी। और अभी हम लोग निकलने वाला है यहाँ से तेलंगाना मंदिर, जो मैं कभी गया नहीं हूँ। एक्चुअली जाते हैं वहाँ पे भी, वहाँ पे मैंने कभी गया नहीं है, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा वहाँ का नज़ारा, वहाँ पे मतलब कैसे है। तो वहाँ पे थोड़ा पूजा वूजा करना है, तो अभी तक कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट भी हुआ नहीं है मेरा। तो वहाँ पे चलते हैं पहले, उसके बाद वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। और यहाँ पे है ब्रदर, ये अभी रेडी हो रहा था, स्टाइल कर रहा है, क्योंकि इसको वहाँ पे पूजा नहीं करना है, कुछ और करना है। तो देख रहे हैं रेडी हो चुका है लड़का, और अब चश्मा उसमें लगा के एकदम मस्त बनाने के लिए रेडी। इसकी मूर्ति बननी चाहिए, हीरो लग रहा है हीरो। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैंने चश्मा लगा लिया है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। इसलिए ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए मैं चश्मा को निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि मुझे आज रोइंग भी निकलना है यहाँ से। तो मिलते हैं आगे। अरे अभी हम यहाँ से निकलने वाला है, देखो हीरो बन के एकदम मस्त आ चुका है, चमचमाते हुए। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। फाइनली अभी हम लोग बगान वाला इलाका आ चुके हैं, गार्डन, टी गार्डन वाला इलाका आ चुके हैं। अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं, 7.8 किलोमीटर का दूर पे है तेलंगाना मंदिर, तो हम जाते हैं वहाँ पे पहले। तो अभी बाइक में राइड करने वाला हूँ, ये रहा हेलमेट, तो हेलमेट लगाते हैं उसके बाद बाइक राइड करते हैं। तो फाइनली हमारे यूट्यूबर भैया बाइक चला रहे हैं और हम तेलंगाना मंदिर जा रहे हैं। मंदिर का व्यूज कुछ इस तरह से है, देखिए काफी सारा लोग आया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग पहले जाते हैं, लाइन में लगेगा तो शाम हो जाएगा, तो अब पहले विकी पूजा कर लेते हैं साइड से ही, उसके बाद मेरा बारी आएगा तो मैं कर लूँगा। तो यहाँ साइड से ही हम लोग कर ले रहे हैं पूजा, क्योंकि वहाँ लाइन पर लगेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। गाइस व्यूज चेक कीजिए, व्यू ऐसा मजेदार। और ये अंकल ने फोड़ डाला एक नारियल। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा घंटिया बने हुए हैं, हम यहाँ पे बहुत सारा लोग फोटो भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे। पूजा भी कंप्लीट हो गया है, पूजा कंप्लीट हो चुका है अपना। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं घंटी भी बहुत अलग अलग टाइप का है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज का है और अलग अलग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही घंटियां है। तो गाइस फाइनली पूजा हो चुका है अपना, और अभी हम लोग पूरा फोटो वोटो खींचेंगे। चलो बल्कि कैसा लग रहा है यहाँ आके? आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो पहले भी आया मिल रहा है, हम तो पहले भी आ चुका है, लेकिन भैया मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था यहाँ का घंटियाँ देखने के लिए। तो मैंने देखा, आप लोगों को भी दिखाया, तो वीडियो देखते रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। और ये देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे है घंटी, तो उसके बाद और यहाँ पे देखिए सारा सब का सब घंटी है, इतना सारा घंटी है, लोग यहाँ पे बांधते हैं, आके अपना मन्नत पूरा करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घंटियाँ हैं, और वो साइड में भी बहुत ज़्यादा है। ये लाइन से आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा घंटी 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 बना हुआ है, और वहाँ पर देखिए अभी भी लोग पूरा लाइन पर लगा हुआ है अपना पूजा करने के लिए। अपना तो हो गया हम लोग साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है, अगर बैठेगा तो एक बज जाएगा होगा, इसलिए हम लोग साइड से जाके वहाँ पे अगरबत्ती दिखा लिए बस। जैसे कि एक गाय बता को भी पता है अब यहाँ कुछ खाने को तो मिलेगा ही, तो ये पहले ही रास्ता में आ गया। ये देखिए आंटी ने एक बनाना खिला रही है, और ये क्या ये तो सीढ़ी से भी नीचे आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि निकलने के लिए फाइनल लगा ले, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे।
अभी भी लोग लाइन पे बहुत सारा लगा हुआ है पूजा के लिए। तो गाइस देख सकते हैं संडे और चांदी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ तेलंगाना मंदिर में। संडे पे बहुत सारा लोग आता है शायद छुट्टियाँ के वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक का जाम लग चुका है, ट्रैफिक हो चुका है। तो ये रहा अपना हीरो होंडा और अब हम निकलने वाले हैं इसी के साथ। तो मिलते हैं गाइस ऑन द वे। ये रहा हेलमेट, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर है तो ये निकाल ही देगा कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे सबसे पहले आने से आप लोगों को एक यहाँ पे दुकान पे बुला के थाली देगा, तो आप लोगों को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। वो लेके ही मंदिर में जाना है, वहाँ पे घंटी वंटी सब रहता है बांधने के लिए। तो गाइस पूजा करके तो आ गया हम लोग, अभी रास्ता में है और असम में आया, तो आप लोगों को कुछ असम का फेमस दिखाई देते हैं कुछ चीज़ें। अब यहाँ से तो हम घर जाने वाले हैं, घर जाने से पहले आप लोगों को कुछ और एक चीज़ दिखाना है जो कि असम का फेमस है। वो आप लोगों को हम डायरेक्ट लोकेशन में पहुँचने के बाद ही दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं सीधा लोकेशन पर और मिलते हैं सीधा लोकेशन में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मज़ा आने वाला है। ये यूट्यूबर भाई बाइक चला रहे हैं, फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं। मेरे यूट्यूबर गाड़ी चला रहे हैं, ये देखिए। हे गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन में। तो आप लोग देख सकते हैं ये असम का कुछ फेमस गार्डन है, बोले तो टी गार्डन है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है ये वाला टी गार्डन जो। तो भैया जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, यहाँ मिनी गिला नाइक है, नहीं तो एखन दुई तीन टा मिनी पट जाए एक देख के। यही नहीं अभी और सुनिए, क्या इसे एक मिनी के जाया से मतलब इसको अभी एक मिनी मिलने वाला है। तो ये यहीं सेटल होने वाला है चा बागान में मोहरी बन के। ओहो मजा आने वाला है। तू कैसा लगा मेरा मजाक? नजारा कुछ जैसा है, आप लोग भी देख के मजा लीजिए। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा आप लोगों को हम घर में मिलेंगे क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे रोइंग भी आज निकलना है। तो मिलते हैं शानदार मज़ेदार ब्लॉग के साथ। आप लोग बने रहिए और नए लोग आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं घर, अब हम खाएंगे थोड़ा खाना वाना, उसके बाद फ्रेश होके रोइंग की ओर निकलते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कीजिए।